काफी दिनों के बाद आज कैमरे के सामने आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया हूँ। तो आज जो अभी मुझे जाना है बिहार, तो बस थोड़ा सा मैं सोचा हूँ कि आज थोड़ा मेमोरी क्रिएट करते हैं। वैसे बिहार मुझे एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करनी थी, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। 10 बजे की ट्रेन है, यहाँ से निकल रहा हूँ और बस थोड़ी सी मेमोरी क्रिएट हो जाएंगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ की कल्चर कैसी है। ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बेसिकली मैं वेडिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा मोड़ा तो रिकॉर्ड ही कर लूँगा और देखते हैं। अभी मेरा 10 बजे की ट्रेन है, तो मैं भी जा रहा हूँ 4 बजे। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और हमारी ट्रेन शायद अभी 11 बजे से आने वाली है, क्योंकि उसमें थोड़ा डिले हो गया है। हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है और हम पूरे 3 लोग हैं, 2 लोग अभी आ रहे हैं, अभी आप लोगों को मिलवाते हैं। ये देखिए, ये मिस्टर हिमांशु चौरसिया, ये है मिस्टर आदित्य ठाकुर। हम 3 लोग जा रहे हैं, पूरी ट्रिप हमारी 4-5 दिन की होने वाली है। हमारा ट्रेन का सफ़र लगभग 13 घंटा हो चुका है और अभी मुझे लगभग 1 घंटा और लगने वाला है। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, आगे का कैसा है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और ये आदित्य है, यही मुझे ले जा रहे हैं, बाकी ये बताएंगे आपको। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी हम लोग पहुँचे हाजीपुर से 1 घंटा लगेगा मुजफ्फर, वहाँ पापा पहुँच चुके हैं। सो के उठ गए हैं फाइनली, बिहार की आज पहली सुबह है और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम गांव जैसा है, कि मैं बेसिकली गांव में ही आया हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी एक चीज़ ये दिख रही है मुझे, मतलब थोड़ा ओल्ड ज़माने की लग रही है। ऐसे जो घर के ऊपर छत लगाते हैं ना, तो उनके ऊपर जो मतलब मिट्टी के जो बनाते हैं खपरे टाइप से, वही बनाते हैं, वही लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की छत। ऐसे हमारे लोग वहाँ पर घास फूस पैरे के बनाते हैं, यहाँ पर ये मिट्टी के से कुल्हड़ नहीं बनते हैं, उसी टाइप से बना के छत पे रखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इन छप्परों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम आ गए हैं समोसा खाने, हाँ समोसे निकले हैं और ये देखिए गरम गरम समोसे। और यहाँ की यूनिकनेस ये है, यहाँ की चटनी बहुत ही यूनिक है, आलू का मिक्स करके कुछ देते हैं। और यहाँ एक चीज़ और बहुत यूनिक ना, यहाँ समोसे के साथ मूली देते हैं। चटनी में कैसे बनाते हो आप? चटनी कैसे बनाते हो आप? ओल होता है, ओल को बनाते हैं। आलू ओल, ओल ओल क्या होता है? ओल जमीन के अंदर बोला जाता है। अच्छा, आरू बड़ा सा होता है ना जमीन के अंदर, आरुई यहाँ कुछ और ही कहते हैं, हमारे तरफ अरुई कहते हैं उसको। अरबी का सब्जी बना जाता है। और यहाँ पे घूमने लायक क्या है यहाँ पे अंकल? मंदिर है आगे। कहाँ पे है? आगे गंगेश्वर स्थान बोला जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, समोसा रेडी हो गए हैं, दीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से झोपड़ियाँ बहुत देखने को मिलेंगी और यहाँ पे इस टाइप से बना के ऊपर से खपरेल डाल के बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। वैसे हमारे तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ की कल्चर और यहाँ का जो है ना, ऐसे यहाँ बनाते हैं। एकदम ओल्ड जंगल, जंगल हर तरफ जंगल जंगल, एकदम ऑड ही प्लेस है यहाँ बिहार का। वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी कम है एकदम, मतलब जैसे हम लोगों की तरफ है काफ़ी हद तक सही रहता है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट बहुत कम ही है। मेरा आज ये 5वां दिन है, मैं यहाँ पे इसी गांव में ठहरा हुआ हूँ। ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के चकौती नामक ग्राम में पड़ता है। कल मेरी 9 बजे की ट्रेन है और मैं फाइनली यहाँ से लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ। देखो आए थे तो 3 लोग, लेकिन शायद मैं जाना पड़े अकेले, क्योंकि ये लोग अभी रुकेंगे,
तो मुझे यहाँ अकेले ही रुकना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे अच्छा लग रहा है, घर से काफ़ी दूर हूँ, पहली बार आया हूँ इतनी दूर, तो बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ धीरे धीरे और बस मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ। वाह कितनी अच्छी मूर्तियाँ बना रही, सादा वाला चल, खुद से बनाती सारी मूर्तियाँ। इना ले दूसरा वाला ले ले, अच्छा तो दिल्ली आंख ना हो, अच्छा है तुम्हारा, आगे भी ले लो, ऊपर है ढांचा का। फ्रेम कैसे करते हो ऐसे बनाना, तो ये फ्रेमिंग कैसे करते हो? इसका छना तो भाई है, इसका डाई आता, डाई 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 में रख के बनाते हो ना? आगे भी है, इधर भी। कितने का बिकता है वैसे ये? 150 का है। इतनी बड़ी मूर्ति कितने की बिकेगी? 150 की। और ये वाली? ये वाली का मूर्ति 40 रुपये का। ये देखिए यहाँ पे इनका मकान, यहाँ पे सारी चीज़ें बन रही हैं, हैंड क्राफ्टेड है। उधर भी सामान रखा हुआ है, चलो ठीक हो गया होगा। कितना एक एक कितने की थी? 30 रुपये। बाप रे 30 रुपये, हम सब आते ही चकलते से आयल छी, कोनो मत बाहर से नहीं एना खाई लेल ले पैसे दे। यहाँ पे ना जो है बांस है ना, बांस बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो टेंट लगाते हैं ना, टेंट में वो लोहे का नहीं लगाते हैं उसमें, वहाँ पे बांस का ही लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, मतलब जो टेंट वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बांस बहुत सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे बांस बहुत सारे मिल जाएंगे, बांस और एक ताड़ का पेड़। तो लोग यहाँ पे दारू होती है बेसिकली, यहाँ पे बैन है फुल्ली, तो यहाँ पे ताड़ पीते हैं लोग। ताड़ क्या होता है एक बेसिकली, वो तुम कह सकते हो कि दारू का सब्स्टिट्यूट होता है, उसमें भी नशा होता है। अभी हम आ गए हैं बिहार के चकौती के गांव के बाज़ार में। अभी यहाँ का देखो अपने तरफ तो ठीक है, यहाँ का बाज़ार का स्टाइल तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बिकती है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इंस्टेंट एकदम फ्रेश आइटम मिलेगा आपको। हाँ तो इंस्टेंट कढ़ाही में पड़ा हुआ है, देखो हर जगह छन रहा है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल, देख रहे ना यहाँ पे एकदम यूनिकनेस यहाँ की ये है। यहाँ भी जो भी बिक रहा है एकदम फ्रेश आइटम मिल रहा है। अलग अलग तरह की पकौड़ी है, अलग अलग तरह का जलेबी देखो, अलग मॉडल का। ये क्या है अंकल? ये है छोटी सी बाजार है गांव की, लेकिन सब कुछ छोटे यहाँ पे आपको हर एक चीज अवेलेबल है, कपड़े से लेके खाने से लेके एकदम फ्रेश आइटम। फाइनली हमारी पूरी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आ गया हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से मैं जाऊँगा घर, और काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, 7 दिन का पूरा सफ़र रहा, घूम के बहुत अच्छा लगा और बिहार भी देख लिया अच्छे से, और वहाँ का गांव का कैसा होता है, अब हमारे यहाँ जैसा गांव में होता है वहाँ से काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हाँ घूम के तो काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारा सफ़र पूरा 7 दिन का रहा और ये सफ़र हमारा हुआ है पूरा फिनिश। तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं स्टॉप।